नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन हैक्स के साथ मैं हूँ नादिया। डिश वॉशिंग हर घर में डेली की जाती है और दिन में कई बार की जाती है, लेकिन अक्सर बर्तनों में मौजूद चिकनाई की वजह से किचन सिंक का पाइप ग्रीसी हो जाता है और पानी रुक रुक के गुजरने लगता है। इस प्रॉब्लम को हम एक सिंपल सी हैक के साथ इंस्टेंटली फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके किचन सिंक का पाइप भी ग्रीसी हो रहा है और पानी रुक के गुजर रहा है, तो सबसे पहले 3 बड़े मग तेज उबलता हुआ पानी किचन सिंक के पाइप में डालें। इसके बाद एक स्टैंडर्ड साइज चाय का कप बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा लें और किचन सिंक के पाइप के ऊपर डाल दें। इसके बाद यही स्टैंडर्ड साइज चाय का कप लें और 2 कप व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका लें और बेकिंग सोडा के ऊपर डाल दें। जैसे ही आप मीठे सोडे के ऊपर सफेद सिरका डालेंगे, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा जिसकी वजह से किचन सिंक का पाइप मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपने तकरीबन 40 मिनट तक नल का ऑन नहीं करना। तकरीबन 40 मिनट के बाद 3 बड़े मग नीम गर्म पानी लें और किचन सिंक के पाइप में अच्छी तरह से डाल दें। आप देखेंगे कि किचन सिंक का पाइप बिल्कुल क्लीन होने की वजह से पानी तेजी से गुजर जाएगा। कभी भी आपके किचन सिंक के पाइप में ये प्रॉब्लम हो तो आप ये हैक इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। ये तो था आज का सिंपल सा हैक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।